नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सोयाबीन की फसल पर ऐसा क्या स्प्रे किया जाए जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ जाए, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हमें क्या देना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ जाए। बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो हमें सोयाबीन की फसल के ऊपर ऐसा क्या किया जाए ताकि हमारा उत्पादन बढ़ जाए। तो किसान भाइयों, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा पौधा है उसमें फलियां किस प्रकार से लगी हुई है, फलियों के अंदर दाना ठीक प्रकार से बना हुआ है या नहीं है, और जो पौधा है उसके ऊपर फलियां कितनी बनी हुई है। अब जिसके लिए हमें कभी हमारे पौधे के ऊपर फलियां तो बनी हुई है, दाना भरा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें 0050 प्लस एग्रोमिन गोल्ड का एक स्प्रे करेंगे, जिसके लिए हम 0050 को 0.5% या 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर के साथ में तथा एग्रोमिन गोल्ड को 3 ml पर लीटर वाटर के साथ में मिलाकर सोल्यूशन बनाकर इसका छिड़काव करते हैं। और इसका छिड़काव करने के बाद में 10 से 12 दिन के बाद में कि जो हमारी फलियाँ है उसमें दाना भराव अच्छे से होने लग जाएगा और दाना भराव अच्छे से होगा। 0050 से हमारे क्या फ़ायदे होंगे, जो कि फलियों में दाने में चमकपन लेके आएगा और दाने का वजन बढ़ाएगा और जो फलियाँ है उसकी संख्या भी बढ़ाएगा पौधे के ऊपर। और जो एग्रोमिन गोल्ड है इसमें 5 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमारे जो पौधे में किसी भी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमारे पौधे में किसी भी प्रकार की माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हुई होगी तो उसकी पूर्ति कर देगा और हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ होगा और उससे रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, ताकि हमारे जो पौधा है उसके ऊपर कोई सा भी रोग ना लगे ना कीट लगे, ताकि हमारा जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक हो और किसान अधिक से अधिक फायदा ले। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कभी मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।